मैं उसके लिए सॉफ्ट हूँ, चौधरी साहब का पोता है, मैं उसको अगर मेरी कहीं जरूरत होगी मदद करूंगा, उसको भी मुलायम सिंह के लड़के को भी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहते हुए भी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। एक वक्त में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले मलिक बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। मुद्दा बेरोजगारी हो या किसानों का, इन सभी को लेकर उन्होंने लगातार सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन अब उन्होंने जो ये बयान दिया है उसको लेकर राजनीति के गलियारों में काफी हलचल मच गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। मेघालय के राज्यपाल पद से रिटायर होने के बाद सत्यपाल मलिक अपने गांव हिलावदा पहुंचे। वहां उन्होंने गांव के लोगों के साथ भविष्य पर चर्चा की। इसके साथ साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने जो कही वो काफी चर्चा में भी रही, वो ये कि वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को जब मदद की जरूरत होगी तब करेंगे। मेरी कहीं जरूरत होगी मदद करूंगा। हालांकि आगे की सक्रिय सियासी रणनीति के सवाल पर सत्यपाल मलिक ने साफ किया कि वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और न ही चुनाव लड़ेंगे। अब वह सिर्फ किसानों की आवाज उठाने का काम करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन किसानों की जहां लड़ाई होगी मैं उसमें शरीक होऊंगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए भी वो किसानों की आवाज को कानून के दायरे में रहकर उठाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मदद जरूर करेंगे। तो इस बात से ही इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक जब भी बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो क्यों चर्चा में आ जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जिसकी समरी आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। तो साल 2004 में सत्यपाल मलिक बीजेपी से चुनाव लड़े थे, हालांकि वो ये इलेक्शन हार गए थे। फिर उसके बाद मलिक साल 2017 में चर्चा में आए जब मोदी सरकार ने उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया। फिर 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का कार्यभार सौंपा गया। ये वो समय था जब वहाँ से आर्टिकल 370 हटाया गया था। इसके बाद उन्हें गोवा का राज्यपाल बनाकर भेजा गया और यही वो समय था जब सत्यपाल मलिक मौजूदा सरकार के खिलाफ मुखर होना शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सरकार के खिलाफ बयान दिया। किसानों से लेकर बेरोजगारी तक उन्होंने अपनी बात खुलकर कही और इन्हीं कारणों से वो काफी चर्चा में भी रहे। अब वो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ उन्होंने बोलना बंद नहीं किया है। अपने गांव भ्रमण के बीच भी उन्होंने एमएसपी और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। सरकार की नई अग्निवीर की स्कीम की उन्होंने आलोचना की। प्रधानमंत्री ने माफी मांग के 3 कानून वापस लिए, तो ये कहा था एमएसपी भी लागू करेंगे, अब उस पर भी बेईमानी कर रहे हैं, उसको नहीं लागू कर रहे हैं। रोजगार का संकट है, बेचारे फौज में चले जाते, वो भी दरवाजे आपने बंद कर दिए। सत्यपाल मलिक का ये कहना कि वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मदद करेंगे, इसके कई मायने हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनके इस बयान के बाद राजनीति में क्या उठापटक होती है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही इस मामले पर आपको क्या लगता है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।